गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारी 8th क्लास इंग्लिश बुक हनी ड्यू के अंदर हमारी एक पोइम है और जिसका नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। आज इस पोइम से संबंधित जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है उनको हम देखते हैं। आप इनको ध्यान से देखें, समझें। इसमें वर्ड मीनिंग में है एंट यानी चींटी, एंट चींटी। नेक्स्ट है SILLY, सिल्ली, सिल्ली यानी मूर्खता पूर्ण, सिल्ली मूर्खता पूर्ण। नेक्स्ट CRICKET, क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ पर इस पोइम के अंदर है झिंगुर, क्रिकेट का मतलब इस पोइम में है झिंगुर। नेक्स्ट आगे है WARM, वाम यानी गरम। नेक्स्ट है SUMMER, SUMMER समर यानी गर्मी, समर का मतलब गर्मी। नेक्स्ट है SPRING, स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है बसंत, स्प्रिंग है बसंत। आगे है COMPLAIN, कॉम्प्लेन, कॉम्प्लेन का मतलब है शिकायत, कॉम्प्लेन का मतलब है शिकायत। आगे है CUPBOARD, कपबोर्ड, कपबोर्ड का मतलब है अलमारी, कपबोर्ड का मतलब है अलमारी। नेक्स्ट है EMPTY, इम्पटी, इम्पटी है यानी खाली, इम्पटी का मतलब है खाली। नेक्स्ट है WINTER, विंटर, विंटर होता है सर्दी, विंटर का मतलब है सर्दी। नेक्स्ट आगे है CRUMB, क्रम, क्रम है टुकड़ा, क्रम का मतलब है टुकड़ा। आगे है हमारा SNOW, स्नो, स्नो होती है बर्फ, स्नो का मतलब है बर्फ। आगे है STARVATION, स्टारवेशन होता है ये, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। नेक्स्ट है DRIPPING, ड्रिपिंग यानी टपकाव, टपकना। नेक्स्ट है TREMBLING, ट्रेम्बलिंग यानी सीरहन, कंपकपाहट, सर्दी से ठिठुरना। नेक्स्ट आगे है MISERLY, माइजरली यानी कृपण, दयनीय, दया योग्य। नेक्स्ट है SHELTER, शेल्टर, आश्रय, शेल्टर का मतलब है आश्रय। नेक्स्ट है GRAIN, ग्रेन, ग्रेन होता है अनाज, ग्रेन का मतलब है अनाज। नेक्स्ट BORROW, बोरो, बोरो का मतलब है उधार, बोरो का मतलब है उधार। और नेक्स्ट आगे है SORROW, शोरो, शोरो का मतलब होता है शोक या दुख। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारी इस पोइम से संबंधित ये डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है। आप इनको बार बार देखें, अपनी नोटबुक में लिखें,
वीडियो आपने देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक आप इसको देखते रहिए। वंस अगेन थैंक्स।